हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस थॉमस ग्रेस एलिजी दैट इज़ प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस. द नेम ऑफ द पोएम, द टॉपिक सॉरी द टाइटल ऑफ द पोएम इज एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड. थॉमस ग्रे की ये जो पोएम है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जो आपके सिलेबस में है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे. ये पोयम एक एलिजी है. एलिजी आप जानते हैं, वी हैव डिस्कस्ड दैट इन डिटेल. एलिजी इज़ अ सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन. लेमेंटेशन यानी विलाप. इट इज़ अ सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग. शोक कविता होती है एलिजी, जैसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. फॉर्म्स ऑफ पोइट्री से आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. तो दिस पोएम इज़ ऑल्सो एन एलिजी. और जैसा कि एलिजी होती है, इट इज़ रिटन एज अ ट्रिब्यूट ऑन द डेथ ऑफ समवन नियर एंड डियर. किसी हमारे प्रिय व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, तो उनकी मृत्यु पर ये कविता लिखी जाती है. तो ये जो कविता है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इट इज़ रिटन बाय थॉमस ग्रे. थॉमस ग्रे वाज अ फेमस पोएट ऑफ ट्रांजिशन एज. रोमांटिक एज से पहले जो ट्रांजिशन एज था, उसमें ये थॉमस ग्रे आए थे. उसके ये कवि हैं और उनको इनको ट्रांजिशनल पोइट कहा जाता है. और इन्होंने ये जो कविता लिखी है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये इन्होंने ही हैज़ रिटन इट अबाउट द कॉमन पीपल. इनके पहले जो एलिजीज लिखी जाती थी, दे वर रिटन अबाउट समवन ग्रेट, ऑन द लाइफ ऑफ सम ग्रेट मोनार्क, सम किंग क्वीन और सम ग्रेट पोइट और ऑथर. पर थॉमस ग्रे वॉज द फर्स्ट पोइट हु रोट एन एलिजी ऑन द सिंपल लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. जो बिल्कुल साधारण लोग हैं, उनके जीवन पे, उनके बारे में सोचते हुए उन्होंने ये कविता लिखी है. इस कविता में बच्चों टोटल 34 स्टैंजास हैं और वन बाय वन वी विल डिस्कस देम ऑल. उन स्टैंजास को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. हालांकि जैसा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इस पोएम में, इस पोएम के एक्सप्लेनेशंस आपके सिलेबस में नहीं है, यानी इससे आपको एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा. पर पोएम की थीम समझने के लिए, उसका कंटेंट समझने के लिए, हम लोग थोड़ा इसका जो है लाइंस को भी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इन द पोएम. इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द पोएम इन अ बेटर वे. इस पोएम की जहाँ से शुरुआत होती है, सो द बैकग्राउंड इज़ लाइक दिस, दैट द पोएट इज सिटिंग इन चर्चयार्ड. कब्रिस्तान में जो है वो बैठा हुआ है. और ये जो शाम का समय है, द टाइम व्हेन द पोएम स्टार्ट्स इज ऑफ द डस्क. जो शाम का, जिसको हम धुंधुलका कहते हैं, डस्क कहते हैं, जिस समय सूरज डूब चुका है बट अभी रात नहीं हुई है पूरी तरह से, उस समय की बात है. तो वहाँ जो है ये कवि, ही सिटिंग इन द चर्च यार्ड, जो कब्रिस्तान है वहाँ बैठा है. और ये कब्रिस्तान जो है वो गांव के बाहर है, और जिसमें कि उस गांव में जो रहने वाले विलेजर्स हैं, जो लोग हैं, उनकी मृत्यु के बाद उनको, दे आर बरीड इन दिस चर्च यार्ड. इस गांव के जो लोग हैं, जिनकी मृत्यु के बाद उनको यहाँ दफना दिया जाता है. और अब जो कवि जब चर्चयार्ड में बैठा है, और चर्चयार्ड के सामने जो है वो गांव है, गांव के बाहर जो है वो कब्रिस्तान है, तो वहां बैठकर उसको क्या क्या उसके मन में विचार आ रहे हैं, क्या क्या उसके मन में ख्याल आ रहे हैं, वो इस कविता में जो पोइट है, ही हैज़ एक्सप्रेस्ड ऑल दोज थॉट्स. सो द फर्स्ट स्टैंजा इज़ लाइक दिस. The curfew tolls the knell of parting day. The lowing herd winds slowly over the lea. The curfew
टॉल्स। सो जो इवनिंग बेल होती हैं जो चर्च में शाम को घंटी एक बजती है, इट टेल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। पार्टिंग यानी विदा होता हुआ, जो अब दिन जिसने हमसे विदा ले ली है यानी वो दिन जो ख़त्म हो गया है। तो शाम को जो चर्च में घंटी बजती है उससे पता चलता है दैट इट हैज़ द डे हैज़ एंडेड एंड नाउ इट इज़ द टाइम ऑफ इवनिंग ऑफ द डस्क। डस्क भी कहते हैं इवनिंग को, DUSK। तो दिस इज़ टाइम ऑफ डस्क एंड ये शाम का समय है, दिन ख़त्म हो चुका है। और शाम को कैसा माहौल होता है, वॉट इज़ द बैकग्राउंड, वॉट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड, क्या कैसा दृश्य होता है उसको यहाँ कवि बता रहे हैं। क्या क्या होता है, द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली। लोइंग हर्ड, हर्ड कहते हैं झुंड। अब झुंड किसका, द हर्ड ऑफ कैटल्स, जो जानवर होते हैं काउ एंड शीप्स, वो दिन में चरने के लिए दे गो टू द फील्ड्स, घास के मैदान और खेतों में वो दिन में चरने के लिए जाते हैं। दे गो देयर टू ग्रेज द फील्ड्स, और वो शाम को वापस आते हैं। लोइंग, लो लोइंग मतलब एक जो उनका साउंड होता है, जो उसके बोलने की आवाज़ होती है भेड़ की, शीप की, उसको लोइंग कहते हैं। तो वो धीरे धीरे दे रिटर्न ओवर द ली, ली यानी फील्ड्स, तो वो वहाँ से वापस आ रहे हैं। दिन भर वो उन्होंने, जो जानवर होते हैं उनको भी पता होता है कि दिन में वो चरते हैं और शाम का समय होते ही उनको भी एहसास हो जाता है, नाउ दिस इज़ इवनिंग टाइम एंड इट इज़ टाइम टू रिटर्न टू देयर होम, अपने घर वापस आने का समय हो जाता है। द प्लोमैन होमवर्ड प्लोट्स इज वेरी वे। द प्लोमैन, प्लो यानी हल, प्लोमैन हल को जोतने वाला यानी किसान, फार्मर, जो किसान है, प्लोमैन है, होमवर्ड प्लोट्स इज वेरी वे, घर की तरफ वो वापस आता है। वेरी वे यानी थका हुआ, वेरी माने थका हुआ, वे यानी रास्ता, तो रास्ता तो थका हुआ नहीं होता है। मीन्स द फार्मर इज़ रिटर्निंग होम आफ्टर डूइंग अ लॉन्ग डे हार्ड वर्क एंड नाउ ही इज़ टायर्ड। वो किसान जो है वो थक चुका है और शाम को घर वापस आ रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। और सभी ये लोग जो काम है, जानवर हैं वो भी खेत में चर के वापस जा रहे हैं, किसान हैं वो भी अपना दिन भर मेहनत के, उन्होंने दे हैव वर्कड वेरी हार्ड थ्रू आउट द डे एंड नाउ दे आर रिटर्निंग होम। ये सभी लोग घर वापस जा रहे हैं और क्या है, बट द पोइट इज स्टिल सिटिंग इन द चर्च यार्ड। वो अभी वहीं चर्च यार्ड में, कब्रिस्तान में जो है वो बैठा हुआ है और कह रहा है कि ये सभी लोग जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लीव्स द वर्ल्ड, इस संसार को, बाहर का जो संसार है ये छोड़ के ये सब कहाँ जाएंगे, ये अपने घर, दे विल गो इन साइड देयर हाउस, द प्लोमैन विल गो टू देयर हाउसेज एंड दीज एनिमल्स विल ऑल्सो गो टू देयर बार्ड्स, उनको भी उनके जो है उनको बंद कर दिया जाएगा जहाँ उनको सोने की जगह है जानवरों की। तो एंड आई ओनली आई विल बी लेफ्ट इन दिस चर्च यार्ड, केवल मैं ही यहाँ रह जाऊँगा इन द डार्कनेस, I will only be sitting in this churchyard, because the poet is not going home, he is still sitting in the churchyard. So this is stanza 1. The poet is sketching the landscape of evening, how in the evening people go back from their long day work, and but the poet is still prefer to sit in the churchyard. Next stanza dekhte hain bachcho. Now fades the glimmering landscape on the sight. अब शाम के दृश्य के बारे में बात कर रहे हैं कवि और बता रहे हैं कि कैसा हो रहा है। Fades, now fade, now माने अब क्या हो रहा है, fades, fade माने धुंधला हो जाना, जैसे कोई कलर होता है कपड़े का वो फेड हो जाता है, तो अब फेड हो रहा है, क्या फेड हो रहा है, दृश्य हल्के हो रहे हैं, धुंधले हो रहे हैं। ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइड, ग्लिमरिंग यानी झिलमिलाता, शाम को क्या होता है कि दूर के दृश्य दिखने हमें कम हो जाते हैं क्योंकि रोशनी कम होती है, सो द विजन द साइट ऑफ द रिमोट सीन्स इज नॉट दैट क्लियर, इट बिकम्स डल, डिम, तो दूर के जो दृश्य हैं वो ठीक से दिखाई नहीं देते, धुंधले दिखने लगते हैं बिकॉज ऑफ द डार्कनेस। तो शाम हो रही है तो अब दूर के दृश्य अब नहीं दिख रहे हैं।
एंड ऑल द एयर अ सॉलेम स्टिलनेस होल्ड्स. ऑल द एयर, एयर से मतलब यहाँ ऑल द एटमोसफियर, सारे आसपास वातावरण में क्या एक शांति आ गई है. सॉलेम स्टिलनेस, स्टिलनेस क्वाइटनेस, शांति आ गई है. बिकॉज लोग अपना काम धाम छोड़ के वापस जो है अपने घरों की तरफ जा रहे हैं. एंड नाउ फिर बाहर फील्ड्स में कोई नहीं रह जाता. सो देयर इज़ अ काइंड ऑफ स्टिलनेस स्प्रेडिंग ऑल ओवर देयर इन दी एटमोसफियर. एक शांति छा जा रही है. सेव वेयर द बीटल व्हील्स इज ड्रोनिंग फ्लाइट. बीटल एक इंसेक्ट होता है, तो वो जो है वो उड़ रहा है आसपास, और उसकी एक जो फ्लाइट है यानी एक तरह से उड़ान है, ड्रोनिंग, जैसे ड्रोन आप समझते हैं कि वो एक व्हील्स यानी गोल गोल एक जगह वो घूम रहा है, केवल वो जो है वो एक जगह पे घूम रहा है. एंड इट इज़ मेकिंग सम मोनोटोनस साउंड्स, कुछ एक आवाज़ है जो वो बना, मतलब ही इज़ प्रोड्यूसिंग दैट साउंड. एंड ड्राउजी टिंगलिंग्स लल द डिस्टेंट फोल्ड्स. तो ये जो है ड्राउजी यानी स्लीपी, जब हमें नींद आने लगती है, तो नींद आ रही है, किसको नींद आ रही है, टिंगलिंग लल द डिस्टेंट फोल्ड्स. अब फोल्ड कहते हैं बेटा यहाँ बाड़ा, जैसे जहाँ पर जानवरों को बंद कर दिया जाता है शाम को दिन भर, जैसे बैल, इस समय की बात है जिस समय ये अब तो ट्रैक्टर से जो फील्ड्स हैं वो प्लो जोते जाते हैं, उस समय जानवर खेतों में काम करते थे, अभी भी करते हैं कहीं कहीं जैसे ज़रूरत होती है. तो फोल्ड उनको फिर शाम को बाड़े में, जो उनके जानवर का जो बाड़ा है उसमें, चाहे वो बैल हो, गाय हो, या ये जो चरने के लिए जानवर जो शीप रखे जाते हैं या बकरी रखी जाती है, तो उनको फिर शाम को आकर बाड़े में बंद कर दिया जाता है. और वो फिर क्या होते हैं, ड्राउजी, दे फील ड्राउजी बिकॉज दे ऑल्सो वर्क थ्रू आउट द डे. वो भी दिन भर काम करके आते हैं और फिर वो शाम को उनको बंद कर दिया जाता है, तो वो दे बिकम ड्राउजी, दे फील स्लीपी. और कैसा होता है, टिंगलिंग्स, टिंगलिंग होता है उनके गले में, एक छोटी छोटी घंटियाँ बंधी रहती हैं, वो इसलिए बांधी जाती हैं सो दैट कि द एनिमल इज़ नॉट लॉस्ट. अगर वो कहीं चला जाता है तो साउंड से उसको लोकेट करना आसान होता है. तो धीरे धीरे वो बाड़े में उनको बंद कर दिया गया है और अब वो दे आर फीलिंग ड्राउजी, उनको नींद आ रही है. तो उन्होंने सर भी, उन्होंने भी दे हैव ऑल्सो पुट देयर हेड डाउन, और थोड़ा थोड़ा बीच में जब वो सिर हिलाते हैं, व्हेन दे मूव देयर हेड, तो वो थोड़ी सी टिंगलिंग साउंड उसकी जो है वो दूर से, डिस्टेंट फोल्ड, दूर कहीं बाड़ा है वहाँ से, द पोइट इज़ एबल टू हेयर द फेंट टिंगलिंग साउंड्स ऑफ द बेल्स विच आर टाइड इन टू द नेक्स ऑफ द एनिमल्स. तो ये शाम का सीन है जिसके बारे में कवि बात कर रहे हैं. तो इस तरह का माहौल उस समय दिखाई दे रहा है व्हेन द पोइट इज सिटिंग इन द चर्च यार्ड. वो ये अभी भी कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं और सभी लोग वापस अपने घर को जा चुके हैं. तो ये स्टैंजा नंबर 2 है बच्चों, इसको रिवाइज कीजिएगा.